बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। बेटा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट में बायोलॉजी, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर। बेटा जी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, ठीक है। और हमारा लेक्चर नंबर जो है ये है 5, ठीक है, सॉरी, हाँ जी 5, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। बेटा जी, इसमें आज हमारे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करते हैं कि ग्रैम पॉजिटिव और ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। हम इसकी स्टेनिंग का जिक्र करेंगे, हम पढ़ेंगे कि जी किसने इसको डिस्कवर किया, हम पढ़ेंगे कि ग्रैम पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन से स्टेनिंग के प्रोसेस में से शो होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू द ग्रैम स्टेनिंग, ग्रैम स्टेनिंग के बेस पे जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो बेटा जी देखें, हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रैम स्टेनिंग। तो ग्रैम स्टेनिंग के रिस्पॉन्स में हम इसको दो ग्रुप्स में रखते हैं, ठीक है, टू ग्रुप्स में रखते हैं। तो डिवेलप्ड बाय क्रिस्टिन ग्रैम, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि क्रिस्टिन ग्रैम साहब थे जिन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल की, इसको ग्रैम मेथड भी बोलते हैं। ग्रैम इसको स्टेनिंग को ग्रैम, इस स्टेनिंग को हम ग्रैम मेथड भी बोलते हैं, ग्रैम मेथड, ग्रैम मेथड, ठीक है। हम इसको ग्रैम मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा जी, क्रिस्टिन ग्रैम साहब थे डेनमार्क के रहने वाले जिन्होंने इसकी स्टेनिंग के प्रोसेस को शो किया, ग्रैम मेथड को जो है ना शो किया। इसको ग्रैम इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का खुद का नाम है ग्रैम, इसलिए। और फिर हम इसमें भी बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया है इसमें जो स्पेसिफिक सिटी अपने कलर डाइस में अपने आप को शो करेगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि साइंटिस्ट जो है ये 13 दिसंबर 1853 को इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 14 नवंबर 1938 को इनकी डेट ऑफ डेथ है, ठीक है। इसके दौरान इन्होंने काम किया, वर्किंग की, और माइक्रो बायोलॉजिस्ट हैं इन्होंने, बायो के ऊपर माइक्रो बायोलॉजी में स्टडी की, बैक्टीरिया के बारे में अहम स्टडी की जो कि ग्रैम पॉजिटिव और ग्रैम नेगेटिव की टेक्निक्स है, ठीक है जी। तो ग्रैम पॉजिटिव क्या है, वो क्या बेटा जी, ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की चार स्टेनिंग पर्पल, वो बैक्टीरिया जो कि पर्पल स्टेनिंग देते हैं और प्राइमरी डाइस करते हैं, किस वजह से, ड्यू टू सी वी आई कॉम्प्लेक्स। पर्पल ग्रैम पॉजिटिव पर्पल, और क्या, किस वजह से भाई, सी वी आई कॉम्प्लेक्स की वजह से। अब सी वी आई क्या है, सी फॉर क्रिस्टल, वी फॉर वायलेट और आई फॉर आयोडीन, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, ठीक है। हम इसमें ये बताते हैं कि क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसको कहते हैं सी वी आई कॉम्प्लेक्स, ओके जी। और ये इनसॉल्युबल है बेटा जी, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, ओके। तो ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की चार स्पेसिफिक पीक यहां पे बात हुई है पीक की, ठीक है। बैक्टीरिया की चार स्पेसिफिक पीक रिटेन्स कंट्री डाइस, ठीक है, हम यहां से कंट्री डाइस का जिक्र भी करते हैं। पर्पल में प्राइमरी और जबकि पिंक में सेकेंडरी डाइस का हम जिक्र करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमने एक और जिक्र किया था कि इसकी कंपोजिशन है जो है वो डिफरेंट है। एमसीक्यू भी आ जाता है कि जो ग्रैम पॉजिटिव है या ग्रैम नेगेटिव जो है इन कंपोजिशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि जो ग्रैम पॉजिटिव है, ग्रैम पॉजिटिव के बैक्टीरिया जो है इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन 50% है, ठीक है, और जबकि ग्रैम नेगेटिव की जो बैक्टीरिया है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन 11%, ठीक है। और जब हम इसकी सेलवाल की थिकनेस का जिक्र करते हैं, सेलवाल की थिकनेस में हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं इसकी थिकनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि 20 से तकरीबन, सॉरी, इसमें हम ये बात भी बताएंगे कि 20 to 80 नैनोमीटर है इसकी थिकनेस ग्रैम पॉजिटिव की, जबकि
तकरीबन 11 से 12% ग्रैम नेगेटिव में लिपिड्स की क्वांटिटी है, ठीक है जी। और हम इसमें अगर जिक्र करें कि आउटर मेम्ब्रेन का, तो ग्रैम पॉजिटिव आउटर मेम्ब्रेन नहीं है जबकि ग्रैम नेगेटिव आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है। और पेप्टाइडो प्लाज्मा पेरिप्लाज्मिक का जिक्र करें तो जो ग्रैम पॉजिटिव है उसमें प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ बैक्टीरिया नहीं, लेकिन ग्रैम नेगेटिव में ओवरऑल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और लास्ट में हम जिक्र करते हैं कि परमेबिलिटी की, परमेबिलिटी में हम बोलते हैं कि ग्रैम पॉजिटिव जो है वो मोर परमेबिलिटी है रखते हैं जबकि ग्रैम नेगेटिव लेस परमेबिलिटी रखते हैं। अब परमेबिलिटी की बात भी होगी, पेरिप्लाज्मिक की बात भी होगी, लिपिड्स की बात भी होगी और उसकी थिकनेस की बात भी होगी, ठीक है बेटा जी। और टाइकक एसिड जो है वो मौजूद है ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और टाइकक एसिड के बारे में बात की है कि टाइकक एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो इट इज पॉलीमर ऑफ, पॉली का मतलब मैनी, ठीक है। और पॉली का मतलब क्या है, मैनी मैनी। और वर बोलते हैं यूनिट को, यूनिट ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और फास्फेट और फास्फेट ग्लिसरॉल, ठीक है। पॉलीमर ऑफ फास्फेट और फास्फेट ग्लिसरॉल विद कार्बोहाइड्रेट्स, किस बॉन्ड के जरिए, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए, फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाई दो दो एस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर जैसा दिया है मैंने पढ़ा था। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है टाइकक एसिड की, जो कि इसमें है ग्रैम पॉजिटिव में है, ठीक है जी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा ऐसा जीनस है बैक्टीरिया का जिसमें सर्वाधिक नहीं है। एमसीक्यू आता है कि कौन सा बैक्टीरिया का जीनस है जिसमें सर्वाधिक है, आप बताएंगे कि बैक्टीरिया का एक जीनस माइकोप्लाज्मा है जिसमें सर्वाल नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा जी आपका आज का ये कम्प्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट हम चार साल में ब्रेन का जिक्र करेंगे, इसका कम्प्लीट टॉपिक के लिए आप इस लेक्चर का वो देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Thank you, sir.